इमारत की बुनियाद अगर मजबूत हो तो वो इमारत बहुत खूबसूरत और मजबूत बनती है। तो इसी तरह जब कोई फिल्म या वेब सीरीज़ या कोई भी कंटेंट होता है, स्क्रिप्ट उसकी बुनियाद होती है, तो इसकी बुनियाद बहुत खूबसूरत थी, बहुत मजबूत थी। दूसरे, वो एक सेंसिबल लोगों के हाथ में थी, जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि टीम अगर सेंसिबल हो तो कंटेंट अच्छा निकल के आता है। यही स्क्रिप्ट आप किसी नॉनसेंस आदमी को दे दो तो वो उसका पता नहीं क्या बनाएगा। सेम स्क्रिप्ट की राइटर ने अपनी जो मेहनत या जो भी किया है तो वो पता नहीं उसका क्या बनाएगा। हालांकि सुभाष जी इसमें राइटिंग में भी इन्वॉल्व हैं और उनकी पकड़ है इस तरह के सब्जेक्ट पे, पॉलिटिकल और उस पर, क्योंकि उनका बैकग्राउंड रहा है जर्नलिस्ट, और सिनेमा पे अच्छी उनकी पकड़ है। हम शुरू से देखते हैं फंस गए रे ओबामा या जॉली एल एल बी, जितनी भी फिल्में उन्होंने की, तो एक कंटेंट पर पकड़ है। तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, डेफिनेटली तब तक सारी स्क्रिप्ट वगैरह सब रेडी ही थी। तो जब वो, तो बहुत बाद में आता है एक्टर चुनने का प्रोसेस, तो उन्होंने बुलाया था, जब वर्कशॉप हो रही थी तो उन्होंने बोला था कि देखो स्क्रिप्ट में ये कैरेक्टर बंगाली है, लेकिन क्योंकि तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहते करते रहते हो अक्सर, तो तुमको अगर लगता है कि बंगाली की बजाय तुम इसमें कुछ और रंग डालना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम यू कैन। तो मैंने उनको बोला कि सर नहीं, मैं बंगाली एक्चुअली किया नहीं, तो आई विल ट्राई बंगाली, बट बंगाली का एक ये रहता है कि जब हम सिनेमा में बंगाली देखते हैं तो वो बहुत ही मिमिक टाइप का कैरेक्टर होता है। या फीडबैक कहीं से भी उठा लें, देख लें, तो वो बहुत ही हर चीज़ को घुमा के बोलने से बंगाली नहीं आ जाती। जो मैं एग्जांपल भी देता हूँ कि मिष्टी दोई बोलने से कोई बंगाली नहीं, या रसगुल्ला या रविंद्र संगीत बोलने से कैरेक्टर बंगाली नहीं हो जाता, उसकी ऑथेंटिसिटी पकड़नी पड़ती है। तो वो पकड़ने के लिए मुझे तकरीबन 1.5 महीना लगा, और मतलब पहले क्योंकि लॉकडाउन भी तब भी चल रहा था, तो मैं अप्रोच नहीं कर पा रहा था मेरे बंगाली दोस्तों को कि यार उसके साथ बैठ के मैं ये होमवर्क कर लूँ या थोड़ा सा उससे सीख लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और फ़ोन पे वो प्रैक्टिकल, मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ तो वो फ़ोन पे मैं इतना कम्युनिकेट नहीं हो पाता जितना आप आमने सामने बैठ के करते हैं। तो फिर मैंने बीड़ा उठाया कि खुद ही करता हूँ इसको। फिर ये TV नाम की एक चीज़ है, यूट्यूब उसमें एक चीज़ है, उसके अंदर बहुत सारा खजाना है। तो उसमें से मैंने फिर ढूंढ के निकाला कि ऐसे बहुत सारे बंगाली स्पीकिंग पीपल जो अक्सर हिंदी में बात करते हैं, उनकी मैंने स्पीचेस देखी। फॉर एग्जांपल प्रणब मुखर्जी साहब, हमारे एक्स प्रेसिडेंट, और ममता बनर्जी की, और कब कुछ थोड़ी बप्पी लहरी की, और दूसरे बहुत सारे लोगों की जो बंगाली लोग हैं लेकिन हिंदी में उनका स्पीच देना, मतलब एक अवेलेबल है कंटेंट। तो वो मैंने बहुत सारी देख के फिर अपना एक स्क्रिप्ट के हर डायलॉग और हर शब्द का बाकायदा नोट डाउन किया, मतलब पूरी स्क्रिप्ट को वापस फिर अपने पार्ट को हाथ से दोबारा लिखा, फिर उसको वापस फाइन ट्यून करके, फिर फाइन ट्यून करने से पहले मैं मेरी एक सीनियर है NSD की, गीता गुहा, उनसे मिला जाके उनको मैंने बोला कि मुझे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, मैंने होमवर्क कर लिया है लेकिन मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूँ कि अगर इसमें कुछ गलत हो गया तो आप प्लीज़ उसे सही करें। सो लकीली शी हेल्प मी अलॉट, घर पर बुलाया उन्होंने, 2-3 दिन उन्होंने पूरा एपिसोड वाइज सब कुछ सुना, और फॉर्चुनेटली उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं निकली, क्योंकि जब आपका होमवर्क अच्छा हो तो फिर कमियाँ कम ही निकलती हैं। तो उस हिसाब से फिर मैं कॉन्फिडेंट हुआ कि हाँ अब ये हो गया। तब उसको फिर वापस फिर वो प्रिंटिंग पे गई स्क्रिप्ट, और फिर वो टाइप होके तब वो मेरे हाथ में मेरी फाइनल स्क्रिप्ट। मोस्टली मेरे उसमें मेरी स्क्रिप्ट अलग ही होती है, तो इसलिए वो जो शूटिंग पे भी जो आती है ना, मैं उसको साइड में रख देता हूँ। तो मेरे हिंदी में लिखते हो? हाँ, मैं हिंदी में उसको, मतलब क्योंकि मैं हिंदी में सोचता हूँ, हिंदी मेरी बैकग्राउंड है, तो मैं उससे हिंदी में ही लिखता हूँ, ताकि वो स्क्रिप्ट का आपको मालूम ही है कि एक इमेज वर्क काम करती है। तो मैंने उसको रटा नहीं था, याद नहीं किया था, तो ऑलरेडी ये लोग शूट पे गए हुए थे और मैं श्योर नहीं था कि पता नहीं सुभाष जी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो जब मैं पहुंचा भोपाल में, तो एक शूटिंग से एक दिन पहले मैं उनसे मिला, मैंने कहा सर मैंने कुछ ये किया है, आप एक बार देख लो, सुन लो, अगर ये ओके है तो मैं इसे याद कर लूँगा, और अगर ये NG है तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, मेरे पास सिर्फ एक रात का टाइम बचेगा। तो मैंने उनको सुनाया, तो उन्होंने बहुत तारीफ़ें करी कि बहुत अच्छा है और यही करेंगे डेफिनेटली। तो इस हिसाब से वो बना, ये है भाषा का आस्पेक्ट। बाकी फिर हर कैरेक्टर का एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और दूसरे बिल्डअप जो भी होते हैं वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। हर एक्टर का, हर कैरेक्टर को अचीव करने का प्रोसेस अलग होता है, मेरा अलग है, आपका अलग है, किसी और का अलग है, तो वो एक लंबा प्रोसेस है जिसको डिस्कस ऐसे किया नहीं जा सकता।